दुनिया की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री, जिनके लुक और अदाओं के लोग दीवाने हो गए और जिनके साथ काम करने के लिए बॉलीवुड बल्कि हॉलीवुड स्टार भी तरसने लगे। पहली ऐसी इंडियन सेलिब्रिटी जिनका मोम का पुतला मैडम तुसार म्यूजियम में लगाया गया, और ओपरा विनफ्रे शो में आने वाली भारत की पहली अभिनेत्री जिन्होंने 20 साल की उम्र तक 100 से ज्यादा अवार्ड और सबसे कम उम्र में पद्मश्री अवार्ड जीतने वाली अभिनेत्री बनकर इतिहास रच दिया। जिनके ऊपर 17,000 से ज्यादा वेबसाइट मौजूद है, जो दुनिया भर के मैगजीन के कवर पर सबसे ज्यादा छपने वाली भारतीय अभिनेत्री है, और जिनके एक झलक पाने के लिए भारत तो किया बल्कि इंग्लैंड दुबई में भी पूरे दिन ट्रैफिक जाम लग जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, पूरी दुनिया में इतनी शोहरत कमाने के बाद भी ये अभिनेत्री फिजिकल अब्यूज का शिकार हो गई, जिसने इनकी पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक को तोड़ कर रख दिया। और कितने दिनों तक रखोगी तुम देव को यहाँ? जब तक रूप है, पैसा है, जवानी है, उसके बाद तुम्हारे इस जोगन के खेल का क्या होगा? क्या आपको पता है, फिल्मों को अपने दम पर हिट कराने के बावजूद भी बॉलीवुड के दबंग एक्टर से ब्रेकअप के बाद इन्हें कई बड़ी फिल्मों के शूटिंग के बीच से ही निकाल दिया गया और बॉलीवुड में काम मिलना लगभग बंद हो गया। तुम्हारे पिता की इज्जत इज्जत है और मेरे बाबा की इज्जत ही नहीं, एक जैसे हो। और क्या आप यकीन करेंगे, इस विश्व सुंदरी ने अपनी लाइफ से कॉम्प्रोमाइज करके एक फ्लॉप एक्टर से शादी कर ली। तो आखिर क्या रही वजह की ब्यूटी विद ब्रेन कहे जाने वाली एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ इतनी उतार चढ़ाव से भरी रही, और क्यों शादी की 16 साल बाद एक बेटी की मां होने के बावजूद भी पति से इनके अलग होने की खबरें सबके होश उड़ा दिए। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के द्वारा। आज हम बात कर रहे हैं टाइम्स मैगजीन के दुनिया की 100 से सबसे ताकतवर लोगों के लिस्ट में शुमार बॉलीवुड इतिहास के सबसे चर्चित अभिनेत्री मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय के। कर्नाटक के बेंगलुरु में भारतीय परिवार में जन्मी ऐश्वर्या राय बचपन से ही टैलेंटेड थी। अपनी टीनेज से ही इन्होंने क्लासिकल डांस की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी और पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम मॉडलिंग भी करने लगी, जहां इनकी लुक के बदौलत ये जल्दी ही फेमस होने लगी। इसी दौरान इन्हें कुछ टीवी एड भी मिलने लगे, जिनमें महिमा चौधरी के साथ किए गए इनकी पेप्सी एड इन्हें फेमस करने का काम किया। फिल्म डायरेक्टर इन्हें अप्रोच करने लगे, हालांकि ऐश्वर्या अभी अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहती थी, इसीलिए इन्होंने सभी ऑफर्स को ठुकरा दिए। तभी साल 1994 में इन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया, जिसके बाद फिर से एक बार इनके सामने फिल्मों के ऑफर की लाइन लग गई। हालांकि ऐश्वर्या ने मिस वर्ल्ड बनने के 3 साल बाद बॉलीवुड में डेब्यू किया। इससे पहले ऐश्वर्या ने तमिल फिल्मों में काम कर चुकी है और ढेर सारे एडवांसमेंट और मॉडलिंग में काफी बिजी रहती थी। फिर ऐश्वर्या ने फिल्म और प्यार हो गया से बॉलीवुड में डेब्यू की। फिल्म कुछ खास कमाई नहीं की और न ही इस फिल्म से ऐश्वर्या को कुछ खास पहचान मिली। फिर इसी साल इनकी मुलाकात सलमान खान से हुई। बताया जाता है कि उस दौरान सलमान खान संगीता बिजलानी से ब्रेकअप के बाद पाकिस्तानी अमेरिकन एक्ट्रेस सोमा अली के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में थे और दोनों जल्द ही शादी करने वाले थे। ऐश्वर्या राय को भी अपनी फिल्मी करियर को आगे ले जाने के लिए एक बड़ी हिट फिल्म की जरूरत थी। तभी 1999 में एक फिल्म की तैयारी चल रही थी, उनका नाम था हम दिल दे चुके सनम। रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान ने इस फिल्म के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली को ऐश्वर्या राय का नाम सजेस्ट किया, क्योंकि जब वो ऐश्वर्या से पहली बार मिले थे तभी उनकी खूबसूरती के दीवाने हो गए थे, और फिल्म के लीड एक्ट्रेस के तौर पर संजय लीला भंसाली ने ऐश्वर्या राय को कास्ट कर लिया। जैसे जैसे फिल्म हम दिल दे चुके सनम की शूटिंग आगे बढ़ रही थी, सलमान खान ऐश्वर्या राय के करीब आने और इन्हें इम्प्रेस करने की तमाम कोशिशें करने लगे, और आखिर में दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे।
लगे। वक्त के साथ ऐश्वर्या राय के लिए सलमान खान की मोहब्बत बढ़ती जा रही थी। कहा तो यह भी जाता है कि ऐश्वर्या राय की वजह से सलमान खान ने जोश फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया था। दरअसल मेकर्स ने उन्हें ऐश्वर्या राय के भाई का किरदार का ऑफर दिया था, जो सलमान खान को पसंद नहीं आया। हालांकि ऐश्वर्या राय के माता पिता इस रिश्ते से खुश नहीं थे। उन्होंने ऐश्वर्या को सलमान से दूर रहने की सलाह दी। इसमें मसरूर ऐश्वर्या ने उनकी एक ना सुनी और गुस्से में आकर घर छोड़ दिया। बस एक डिमांड ने इन दोनों के रिश्ते को बिगाड़ दिया। कुछ समय तक डेट करने के बाद सलमान खान ने ऐश्वर्या राय के सामने शादी करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन अपने करियर को देखते हुए ऐश्वर्या ने तुरंत शादी के बंधन में बंधने के लिए तैयार नहीं थी। इससे सलमान खान भड़क गए और आधी रात को ऐश्वर्या के घर पहुंच गए, लेकिन ऐश्वर्या ने दरवाजे नहीं खोली। गुस्से में आग बबूलने सलमान ने रात भर दरवाजे पीटा और 19वीं मंजिल से कूदने की धमकी दी। कहा जाता है कि सलमान खान का यह रूप देखकर ऐश्वर्या डर गई। वह सलमान खान से दूरियां बढ़ाने लगी और अपने पिता को फोन की। ऐश्वर्या के पिता ने सलमान खान के खिलाफ थाने में केस तक दर्ज करा दिया था। इन सब खबरों के बीच सलमान खान के एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की। सोमी ने सलमान से कहा कि उनके पिता की तबीयत ठीक नहीं है और डॉक्टर ने ऑपरेशन करने की सलाह दी है, ऐसे में वह उनकी मदद करे। ऐश्वर्या को बिना बताए सलमान अमेरिका चले गए और न सिर्फ सोमी की मदद की बल्कि उन्हें सहारा भी दिया। यह बात जब ऐश्वर्या को पता चली तो उन्होंने इस रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला कर लिया, लेकिन सलमान इसके खिलाफ थे। खबरों के मुताबिक सलमान ने ऐश्वर्या की फिल्म कुछ ना कहो के सेट पर हंगामा किया। दोनों के बीच लड़ाई की खबरें सामने आई। इन अफवाहों पर मोहर तब लगी जब ऐश्वर्या ने 2002 में आयोजित अवार्ड फंक्शन में हाथ में फ्रैक्चर के साथ पहुंची। कुछ साल बाद एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में ऐश्वर्या ने अपने और सलमान के रिश्ते पर खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि सलमान उनके साथ मारपीट की थी और जब वह सलमान की फोन नहीं उठाती थी तो सलमान उनसे झगड़ा करते थे और खुद को चोट पहुंचाते थे। इसके बाद कुछ इंटरव्यू में ऐश्वर्या ने यहां तक कहा कि सलमान खान उनकी जिंदगी का सबसे बुरा हिस्सा थे। उन्हें खुशी है कि उन्हें समय रहते ही इस रिश्ते से मुक्ति मिल गई। ऐश्वर्या ने 2002 में ई टाइम्स से कहा था कि ब्रेकअप के बाद सलमान मुझे फोन करके बकवास करते थे। वह शक करते थे कि मेरे को स्टार के साथ मेरा चक्कर चल रहा है। अभिषेक बच्चन से लेकर शाहरुख खान तक मेरा नाम जोड़ा गया। वहीं जब सलमान खान से ऐश्वर्या राय के आरोपों के बारे में पूछा गया तो एक्टर्स ने साफ मना कर दिया। सलमान से अलग होने के बाद ऐश्वर्या अपनी फिल्मी दुनिया में व्यस्त हो गई और तभी फिल्म क्यों हो गया ना के सेट पर उनकी मुलाकात विवेक ओबेरॉय से हुई। दोनों में दोस्ती हुई और दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और डेट करना शुरू कर दिया। बॉलीवुड के गलियों में किसी भी खबरों को फैलने में वक्त नहीं लगता और इनकी डेटिंग की खबरें भी आग की तरह फैली। जब सलमान खान को इस बात की भनक लगी तो उन्होंने एक्ट्रेस की फिल्मी सेट पर पहुंचकर खूब हंगामा किया और विवेक को रात भर फोन करके गंदी गाली देते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी दी। सलमान खान के इस हरकत से परेशान होकर विवेक ने एक गलती कर बैठा जो ऐश्वर्या राय के साथ उनके ब्रेकअप का कारण बन गई। सलमान के साथ हुई बातचीत से परेशान विवेक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और सारी बात को पब्लिकली सभी के सामने रख दिया। इस घटना के कारण इंडस्ट्री में खूब बवाल मचा और ऐश्वर्या राय को इस तरह से अपनी जिंदगी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लाना बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा और वे विवेक ओबेरॉय से नाराज हो गई और सारे रिश्ते तोड़ ली। इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सलमान खान के बारे में इस तरह के बातें बोलना विवेक ओबेरॉय को बहुत भारी पड़ा और उन्हें इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। इंडस्ट्री के तमाम फिल्म मेकर्स उन्हें फिल्म देना बंद कर दिया। इसके बाद अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय ने 20 अप्रैल 2007 को शादी कर ली।